तो हाय गाइज, अभी कुछ देर पहले जो मैंने कमेंट वाली वीडियो अपलोड की थी, तो गाइज उसमें कुछ कमेंट्स रह गए थे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही थी एंड वीडियो लेट भी हो रही थी। तो मैंने सोचा इतने ही कमेंट्स को शामिल करके मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। बाकी के जो कमेंट्स रह गए हैं उनके लिए मैंने ये छोटी सी एक वीडियो बनाई है। तो आइए देख लेते हैं थोड़े से बचे हुए कुछ कमेंट्स। नूर ने कमेंट किया है, अगर सोहक का ब्रेकअप हो गया होता और हम सब उनको खो देते तो मैं और कभी भी किसी कपल से इतना प्यार नहीं करूंगी। मुझे सोहक के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और कभी नहीं लगेगा। रिशु ने कमेंट किया है, उनके बगैर किसी और को देखने का मन नहीं करता, क्या कर सकते हैं दीदी। तो फिलहाल तो हम उनका वेट ही कर सकते हैं कि वो वापस कब तक आएंगे। एंड गाइस उम्मीद तो यही है कि वो वापस आएंगे, क्योंकि गाइस मैंने सिर्फ इतना कहा था वीडियो में कि दोनों के बीच में चीजें खराब होती जा रही है। मैंने ये नहीं कहा था कि ब्रेकअप हो गया है एंड वो अब कभी नहीं मिलेंगे। गाइस मैं ऐसा बोल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक सोहक फैन हूँ, बट गाइस आप लोगों ने ये चीज बोलकर मुझे कि मैं ऐसा बोल रही हूँ ब्रेकअप हो गया, मुझे काफी हर्ट किया है एंड मुझे बुरा भी लगा है आप लोगों के उन कमेंट्स को देखकर। क्या आप लोगों को मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है कि मैं बोलूंगी कि सोहक का ब्रेकअप हो गया? गाइस मैंने कभी भी वीडियोज में ब्रेकअप का नाम नहीं लिया है, क्योंकि बाकी सारे वीडियोज वाले ब्रेकअप ही बोल रहे थे एंड मुझे इस चीज से काफी ज्यादा हर्ट हुआ था। इसीलिए मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी। अनम ने कमेंट किया, थैंक्स दी इमोशनल अपडेट देने के लिए, मेरा दिल टूट गया है, बस मैंने अल्लाह पर सोहक को छोड़ा है। एकता कालवा ने कमेंट किया है, क्यूट शुरू है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, मोहक, आई मिस यू सोहक। आशा दे ने कमेंट किया है, थैंक यू दी मेरी प्यारी क्यूटेस्ट दी हो, आप मेरी जान हो, आप कैसे हो, आई लव यू दी, लव यू सोहक दी, आपने सही बोला है सोहक के बारे में, थैंक यू सो मच आशा, लव यू टू, एंड मैं अच्छी हूँ, आप बताना आप कैसी है, एंड थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। एकता कालवा ने सेकंड कमेंट किया, कैसे हो आप सभी, तो हम सभी अच्छे हैं एकता जी, आप बताइए आप कैसी हैं। सोहक फैन ने कमेंट किया, वी वांट सोहक। मिसबल्स किचन ने क्राइंग वाले इमोजी शेयर किए हैं, दुआ वाले इमोजी शेयर किए हैं। श्रुति ने कमेंट किया, जल्दी आओ सुरभि मोहक, अच्छा नहीं लग रहा। सोनी शाह ने कमेंट किया, दीदी अगर सुरभि और मोहक का ब्रेकअप होता तो दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर देते, पर दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लोग मिलेंगे आज नहीं तो कल। तो हाँ गाइज, मैंने नहीं कहा है कि ब्रेकअप हुआ है गाइज, और मैं ऐसा बोल भी नहीं सकती हूँ, पता नहीं आप लोगों ने ऐसा कैसे समझ लिया। एंड हाँ, मुझे भी उम्मीद है कि वो जरूर मिलेंगे। पॉम्पी बर्मुडो ने कमेंट किया, मिस यू सोहक। प्रतीक्षा ने कमेंट किया है, आपका कमेंट वीडियो का अपलोड करो, सोहक वेटिंग फॉर अपलोड। भव्या ने कमेंट किया, प्लीज सायु का ब्रेकअप नहीं हुआ है, प्लीज आयुष एंड सलोनी बेस्ट कपल है एंड फैन के प्रेशर में आकर उन दोनों ने रील नहीं बनाई है, यार प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं ने कमेंट किया, अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बस सोहक चाहिए, होप सो सोहक जल्दी आए। किशु माली ने कमेंट किया, यार पता नहीं सोहक को किसकी नजर लग गई है, यार प्लीज कोई तो इनको मिलाओ, अगर सोहक के पेरेंट्स उनको समझाएंगे तो शायद वो मान जाएंगे, अब तो दिल में जो एक उम्मीद थी वो भी टूटती हुई नजर आ रही है। तो गाइस सीरियसली, क्या आपको लगता है यहाँ पर कि उनको किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की होगी? क्या सभी अपने हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए होंगे, उनके फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स? इसीलिए गाइस मैंने आप लोगों को बोला था कि उनके फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स ने अगर उनको समझाया भी है एंड अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो हमको भी उन पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए एंड अभी उनको अलग अलग ही सपोर्ट करना चाहिए एंड सुरभि को भी एंड मोहक को भी उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ऐसा करने से वो खुश हो जाए। आप लोग समझ सकते हैं कि खुशी में इंसान को सब कुछ अच्छा लगने लगता है एंड शायद वो जल्दी ही मिल जाए। जोया पटेल ने दुआ वाले इमोजी शेयर की है। रिया रिया ने कमेंट किया, दी आपने भी अपना दिमाग ज्यादा खराब कर लिया है, सही बोला रिया आपने, मैं तो दो दिन से सो तक नहीं पाई हूँ ढंग से। जूली व्लॉग ने कमेंट किया है, आप सही बोल रही हैं दी, आई थिंक अब हमें उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, उन्हें इच्छा होगा तो आएगा, कितना मस्त है वो दोनों एक दूसरे के बिना, हमारी फीलिंग्स उनको समझ नहीं आ रही। नेहा लक्ष्मी ने कमेंट किया, आप बहुत प्यारी हो दी, लव यू सो मच। सबिता खत्री ने कमेंट किया, दिल टूट गया। पॉम्पी बर्मुडाई ने कमेंट किया, हाँ दी की बात को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि हम फैंस ने सोहक को खो दिया है, मिस यू सोहक, प्लीज कम बैक। नहीं गाइस, हमने सोहक को खोया नहीं है, अभी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे ऐसे हिंट है जो कि जिनसे कि लगता है कि सोहक जरूर आएगा एंड मैंने नहीं कहा है कि आप अपनी उम्मीद खो दो। हाँ गाइस, कुछ कुछ हमारी उम्मीदें टूट गई हैं, बट अभी भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं उनके साथ में आने की। तो बस गाइस यही थे बचे हुए कमेंट्स, आई होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी हो तो लाइक जरूर करना। एंड गाइस मेरा वीडियो बनाने का मतलब आप लोगों को हर्ट करना नहीं था, अगर आपको किसी को हर्ट हुआ तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। एंड हाँ गाइस, एक दो चीजें और है जो मुझे आपसे बोलनी है, फिर कभी अगली वीडियो में मैं आप लोगों से वो बात करूंगी। तो बस गाइस अभी की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो से, बाय।